आप मियाँ खलीफा और सनी लियोनी और ये फलानी ढिमाकी चीजें मत देखो। आपके बॉडी में पावर बनी रहेगी, आप स्ट्रांग होंगे, बॉडी बनेगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहोगे। इसी क्रम में करते हैं आज फिर एक वीडियो की स्टार्टिंग, और आज चेस्ट मारेंगे। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले, 1 मिनट वाला जो पुशअप वाला चैलेंज चल रहा था, 61 आई थी पिछली बार, 1 मिनट में 61 पुशअप्स, मतलब सेकंड से ज़्यादा का ही फिलहाल में हो गया। आज का कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं कि कितना पुशअप लग रही है। हर डे चेस्ट वाले दिन ना पुशअप को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि उससे खुद को चेक कर रहा हूँ। और मेरा ये टारगेट है कि देखते हैं 70 को क्रॉस कर पाती है, नहीं कि 1 मिनट में 70 समथिंग हो पाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएंगे, लोग 100 100 मार जाते हैं। तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। आज फिलहाल अपना चेस्ट का वर्कआउट फिनिश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चेस्ट मनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चेस्ट को आज ट्रेन करेंगे, आपको दिखाएंगे बीच बीच में वीडियो, और बने रहना वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले चेक कीजिए वार्म अप में जो पुशअप चैलेंज है, आप काउंट करना कितनी पुशअप लग रही है। भाई मेरा तो टारगेट है कि आज 61 को तो पार करना है, जो पिछला वाला है उसको तोड़ना है, फिर अगले दिन उसको तोड़ेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पुशअप, और आप घर पे लगा के ट्राई करना 1 मिनट में आप कितनी लगा पाना है। फिलहाल मैंने तो 61 तो एक बार में लगा दी है, आगे का भी देखते हैं कैसा क्या होगा, बिल्कुल लाइव आपके सामने। तो फिलहाल आप काउंट कर सकते हैं, हम रेडी हैं पुशअप लगाने के लिए और देखते हैं 1 मिनट में कितनी लग पाती है। स्टॉप वॉच को मैं चालू कर लेता हूं पहले, क्योंकि मैं सामने देखता रहूंगा स्टॉप वॉच में कितना काउंट कर पा रहे हैं। स्टॉप वॉच चालू है और अभी काउंट करते हैं 1 मिनट में लाइव कितनी पुशअप हो जाएंगे। खुद को चेक करने का एक तरीका है, देखते हैं पिछली बार शायद 61 आ गई है, और इस बार का देखेंगे कैसा क्या रहेगा। तो रेडी करते हैं फटाफट पोजीशन में। ओ भाई 45 सेकंड में 60 हो गई है। एक मिनट हो गया पूरा, 1 मिनट में 69 मैंने काउंट किए, आपने पता नहीं कितने किए। फिलहाल पिछली बार से 8 पुशअप्स ज़्यादा हुई हैं, तो अच्छा लग रहा है कि 1 मिनट का इस बार का टारगेट अच्छा गया है, 1 मिनट में 69। इसको खींच के ले जाएंगे 100 तक। फिलहाल वार्म अप कंप्लीट कर लिया है, सेट लगाते हैं, मिलते हैं आपसे अभी वीडियो में। So fun and games till it isn't just me. दस, वन मोर, 11, एक और है, 12, एक और, 13, एक और, 14, एक और, 15, बस और दो, बस हो गया, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं करना। सेकंड सेट हमारा इंक्लाइन बेंच स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खींचो खींचो खींचो, ठीक है अंकित भाई। ये हमारा तीसरा है डंबल प्रेस और सबसे हाई वेट हो गया है, कोशिश रहे कि 10 से 12 रेप आ जाए। बहुत बढ़िया यार, चलो 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 चलो, ब्रीथ आउट करना, ब्रीथ आउट करते रहना है, बहुत अच्छा। सही लग रहा है, बहुत बढ़िया।
आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, थ्री फोर, ये हमारा लास्ट और कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बॉडी पोज, क्योंकि वैसे तो अकेले वर्कआउट कर रहे थे, अनिकेत भाई आ गए थे, आज दोनों लोगों ने चेस्ट का वर्कआउट फिलहाल बहुत अच्छा किया। अनिकेत भाई कैसा लगा आज का वर्कआउट? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया, आप देख सकते हैं बॉडी। और अभी हम दोनों भाई आपको दिखाते हैं चेस्ट के पोज। तो पहले कौन सा करें, साइड चेस्ट कर रहे हैं, मैं इस साइड से, भाई उस साइड से, बताना कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में दोस्त। मजा आता है वर्कआउट करने में। फिलहाल आज हमने चेस्ट का किया, अच्छे से ट्रेन किया, आप देख सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है। हर युवा जो वीडियो देख रहा है, भाई मैं फिर कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट है, हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, सिर्फ योग और ध्यान करना स्टार्ट कर दें। अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, मतलब गलत डायरेक्शन में ना लेके जाएं। गलत डायरेक्शन आप समझ रहे हो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, आप शहीद भगत सिंह को पढ़ो, आप APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ो, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, लेकिन आप मियां खलीफा और सनी लियोनी और ये फलानी ढिमाकी चीज़ें मत देखो। आपकी बॉडी में पावर बनी रहेगी, आप स्ट्रांग होंगे, बॉडी बनेगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहोगे। चेहरे वहरे पर ऐसी चमक रहेगी ना ब्रह्मचर्य के बाद, और गजब की ऊर्जा रहेगी आपकी बॉडी में, कुछ पूछो ही मत। यहीं इस वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे फिर एक बार कहता हूँ लाइक करना, कमेंट करके जाना। अगर आप स्टूडेंट है ना तो पढ़ाई भी करो, जीत तोड़ के पढ़ाई करो, फाड़ के रख दो बिल्कुल, लेकिन मोबाइल का टाइम बचाओ और घर पे ही पुशअप मारना स्टार्ट कर दो। रूम में पढ़ रहा है, एक घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, आधा गिलास पानी पी लो, दो मिनट का ब्रेक ले लो, 10 पुशअप मार के बैठ जाओ। उस ब्रेक में फ़ोन नहीं यूज़ करना है, स्ट्रेटजी आपको पूरी बता रहा हूँ। लगे रहो, धीरे धीरे आपका ब्रेन इतना तेज हो जाएगा, एक बार पढ़ा हुआ आप भूलोगे नहीं, और यकीन मानिए आपके जो सपने आप अच्छे से पूरे कर लोगे। वीडियो का यही अंत करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, थैंक यू।